हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है रामनवमी, तो रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोशिश करूँगी कि ये वीडियो मैं आज पोस्ट करूँ, अगर नहीं कर पाई तो फिर कल कर दूँगी। तो चलिए, अभी मैं मॉर्निंग का काम स्टार्ट कर दी, क्योंकि हाउस हेल्पर थोड़ा सा लेट से आएंगी। उनके घर में रामनवमी में जैसे कि ध्वजा चेंज किया जाता है बजरंग बली का, तो बस इसीलिए तो सोची कि चलो झाड़ू का जो काम है सो झाड़ू मैं पूरे घर में दे दे रही हूँ, और जो बिछावन पे या इधर उधर जो कचरा है उसको हटा दूंगी। तो यहाँ पे कुछ डब्बे डुब्बी था तो उसको रैक में डाल दी, और कुछ डब्बा मेरा धोया हुआ था, कुछ में मसाला था और कुछ ज़रूरी का सामान था, तो वो सब मैं अलमीरे में डाल दी। और यहाँ बड़ा वाला कूलर है तो उसको अभी नहीं निकालूंगी, क्योंकि अभी का जो समय है भगवान ऐसा समय कर दिए हैं कि पता नहीं किसको कब क्या हो जाए। तो अभी कूलर एसी ये सबसे जितना दूर रहे ना उतना ही अच्छा है। तो चलिए, इस बेड को मैं ठीक कर ली, और ये बेडशीट जो कि मैं गेहूँ धोकर के पास आती हूँ वो है, तो इसी रूम में रखती हूँ। और नीचे आलू और प्याज, जैसे कि हम लोग क्या ना 22 तारीख से लॉकडाउन शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा आलू और प्याज स्टोर करके रख ली, ताकि लॉकडाउन के समय 1 हफ्ते के लिए जो भी सामान का ज़रूरत होगा वो सब कर रख लूँगी। और आलू प्याज को भी रख ली, क्योंकि घर में अगर आलू प्याज बेसन चना छोला ये सब है ना, तो हरा सब्जी का उतना झंझट नहीं रहता है। हरा सब्जी तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग के आसपास से ही आ जाता है लोग बेचने के लिए मार्केट से लेकर के, तो वहाँ से भी हरा सब्जी मिल जाता है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं अब क्या की कि उस रूम को ठीक करके, और यहाँ खिड़की पे ना कुछ साबुन जैसे कि ला करके मार्केट से रखे हुए थे तो यहीं पे मैं रख दी थी, तो उसको हटा दी। गेहूं का बोरा था जो कि गेहूं धोई थी, तो आधा गेहूं अभी बचा हुआ है, तो उसको भी मैं ले जा करके रूम में रख दी। और यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में सीधा मैं चली जाऊँगी नहा करके, पूजा करके, उसके बाद में आप लोगों से मिलूँगी। आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तो माता रानी करे कि हम सब स्वस्थ रहें। और मॉर्निंग का सारा काम करके और आ गई हूँ, बना ले रही हूँ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो जो ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ उसको हेल्दी नहीं बोलूंगी, उसको अनहेल्दी ब्रेकफास्ट ही बोलूंगी। बना रही हूँ दाल का पराठा, दाल का पराठा फसल के लिए, और उसको पूरी छान लूंगी अपने लिए और हाउस हेल्पर के लिए। तो यहाँ दाल उबाल कर ली, और आलू बटर का सब्जी और पूरी खीर, खीर मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुकी हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि कचरा वाला आया हुआ है, उसका म्यूजिक बज रहा है। तो चलिए ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। बस बना ले रही हूँ आलू पटल की सब्जी। इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले गरम मसाला, गोटा गरम मसाला डाल दी, उसके बाद में एक प्याज काट कर डाली। और यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी, बस इसी को डाल करके अच्छे से भून लूँगी नमक डाल करके। और उसके बाद में डाल दूंगी सब्जी। तो नमक अभी नहीं डाली थी, बाद में मैं डाली थी नमक जैसे कि सब्जी भुनने के बाद। तो देखिए ये मसाला अच्छे से भून के तैयार हो गया है। और पटल को यहाँ पे मैं कच्चा वाला ही डाल रही हूँ। पटल को जैसे कि फ्राई करके बनता है ना, तो वो फ्राई करके मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि पूरी रहेगा खीर रहेगा तो इसमें और तेल डालकर मैं और ज़्यादा हेवी नहीं करने वाली हूँ। तो बस इस तरह से इसको भून लूँगी, उसके बाद में इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे डाल दी मैं नमक, उसके बाद में डाल दूंगी भून के, जब अच्छे से तैयार हो गया तो डाल दूंगी पानी। बस ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगा। और ये क्लिप मैं दिखा रही हूँ कि हम लोग क्या आसपास ना, अभी उतना तो नहीं बोलूंगी पर हाँ, कुछ ये महामारी जो है सो हम लोग के आसपास भी अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है घर के आगे पीछे, जहाँ भी आप सैनिटाइज करवाइए। वो तो मैं अंदर तो नहीं आने दी, क्योंकि पता नहीं उनके शरीर में क्या है, तो वो अंदर आएंगे
और क्या दे करके जाएंगे सो ठीक नहीं, तो बोले कि आप बाहर से ही छीट दीजिए, मतलब कि सैनिटाइज कर दीजिए और चले जाइए। और सैनिटाइज के चक्कर में क्या हुआ ना कि दाल जो है सो इतना पक गया, इतना सॉफ्ट हो गया कि इसको भूनते भूनते मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि बहुत देर तक वो सीटी देते रहा और मैं उनको आगे पीछे जो भी सैनिटाइज करवाना था वो सब करते रही, तो इसके कारण से। और यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ, दाल को भून ली, तो दाल को भूनने के लिए मैं जीरा डाल दी, थोड़ी सी मैं प्याज काट करके डाली थी, और ये सूखे मसाले जो कि रेगुलर मसाले पड़ते हैं जैसे कि दाल फ्राई करने के लिए, वही सब मसाला मैं डाल करके भून ली। और ये लहसुन का पेस्ट जो तैयार की थी उसको भी डाल करके भून लूँगी, उसके बाद मैं दाल डाल दूँगी भूनने के लिए। और इसमें एक सीक्रेट चीज़ मैं मिलाती हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगता है, एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ पुदीना और आम की नमकीन वाली चटनी, तो बस उसको डाल करके। और ये देखिए दाल कितना जैसे कि गल गया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा पर हाँ ये बिल्कुल ही सूख के तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे दाल को भून ली और आटा को तैयार कर ले रही हूँ। इसमें मैं अजवाइन, मंगरेला, थोड़ा सा नमक डाल करके और थोड़ा सा रिफाइंड डाल करके इसको मैं क्या करूँगी कि आटा को तैयार कर लूँगी और साथ में बना लूँगी पूरी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि देखिए ये दाल जो है ना सो अच्छे से सूख गया है, तो बस गर्मा गर्म पूरी मैं तैयार कर ले रही हूँ। और ये आज का जो मॉर्निंग का मेरा रहा ना वो है देसी मॉर्निंग का नाश्ता। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये दिखा देती हूँ कि कितनी फूली फूली पूरी तैयार हुई है, और इसके साथ में बनाई थी आलू और बरबट्टी का सब्ज़ी। तो बस मिलती हूँ आप लोगों से अब नाश्ता करने के बाद, तो आइए सबसे पहले आप लोग भी मेरे साथ बैठ करके नाश्ता कर लीजिए। तो आ गई हूँ मैं नाश्ता करके, और जो भी सामान बचा हुआ था वो सब मैं फ्रिज में रख दी, जैसे कि खीर फ्रिज में ही रख दी, खीर फ्रिज का अच्छा लगता है, वो फिर शाम के नाश्ता में चलेगा। और जो भी काम था सो करके और आ गई हूँ किचन को क्लीन करके। अब यहाँ पे कुछ कपड़े हैं तो इसको मैं तह लगा ले रही हूँ, और आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।